आरएम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए और हर छोटी बड़ी न्यूज की अपडेट सबसे पहले। यही कहना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी का बेरमो प्रखंड उपाध्यक्ष हैं और ये सरासर टाइगर फोर्स द्वारा जो माननीय सांसद रविंद्र कुमार पांडे जी का पुतला दहन किया गया ये गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए, इसका हम विरोध करते हैं। ठीक ना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि टाइगर फोर्स है आखिर किस व्यक्ति का फोर्स है? अगर पर्सनल फोर्स माननीय विधायक, वो भी विधायक है, माननीय विधायक ढुल्लू महतो जी, वो बगमारा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और अगर वो टाइगर फोर्स बनाए भी हैं तो टाइगर फोर्स को क्या मैंने कह दिया गया कि आप जहां मन वहां जाकर आंदोलन करिए? ये तो गलत है। और दूसरा क्षेत्र में आंदोलन कर रहे हैं वो अगर, मैं यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हूँ, पंचायत समिति सदस्य भी हूँ और हमारा पंचायत में जानडी कोलेरी है, जानडी कोलेरी में रेडी कंपनी का काम आया हुआ है, उनका काम चल रहा है। तो अगर स्थानीय देखा जाए तो हमारे पास भी स्थानीय बेरोजगार बहुत सारे लोग हैं जिसको नियोजन दिलाने के लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं रेडी कंपनी से। ऐसा नहीं रेडी कंपनी लड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई करने का तरीका होता है। हमारा माननीय सांसद जो है उनका क्या इसमें दोष है? अगर रेडी कंपनी माननीय सांसद जी का पुतला जलाया है तो ये पूरा घोर गलत काम किया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे से हम अपना पार्टी की तरफ से मैं ये टारगेट फोर्स चेतावनी देता हूँ कि आप आंदोलन करिए, आंदोलन करिए, स्वतंत्र है भारत है, लेकिन आप माननीय सांसद का पुतला जलाइएगा तो भाई खूनी टकराव संघर्ष होने की संभावना है। इसमें क्या पार्टी इस मामले पर कोई कार्रवाई करने जा रही है क्या? कुछ पार्टी क्या कार्रवाई करने जा रही है तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और हमारा सांसद है और ये सांसद पुत्र चला, इसलिए हमें काफी दुख है। हमारा कार्यकर्ताओं का जो जर्नी कार्यकर्ता उसको काफी दुखी है इस घटना से। अगर दोबारा ऐसा होता है तो खूनी संघर्ष होने की संभावना व्यक्त किया जा रहा है पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी जर्नी पंचायत टकराव लेगी।